दोस्तों टिकटॉक के बारे में ढेर सारी खबर आ रही है निकल के, तो इस वीडियो में बताएंगे। जो पहली खबर आ रही है वो आ रही है गांधी जी के चश्मे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उसकी नीलामी हुई है, तो वो कितने में हुई वो हमें हम बताएंगे। दोस्तों जो पहली खबर आ रही है टिकटॉक की तरफ से वो है US से, और जो दूसरी खबर आ रही है वो है इंडिया से। तो पूरी जानकारी बताएंगे और विद प्रूफ के साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप जो है कॉमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं, भाई टिकटॉक इंडिया में कब वापस आ रहा है, उसके सवालों के भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इसे कौन खरीदने वाला है, कौन नहीं खरीदने वाला है, कब से इसकी खरीदारी शुरू होने वाली है, वो सब कुछ हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली खबर आ रही है वो आ रही है गांधी जी की ग्लासेस को लेकर। जी हां दोस्तों, उसकी नीलामी जो है 2.5 करोड़ रुपए में हुई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ग्लासेस सेल वाय 2.5 करोड़, और यह जो है सन 1920 का था, तो ये काफ़ी पुराना था। तो इसकी जो कॉस्ट रखी गई थी तो वही काफ़ी ज़्यादा थी, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं अभी इंडियन रुपीस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है टिकटॉक US को लेकर। जी दोस्तों, टिकटॉक ने जो है लीगल एक्शन लेने की बात कही है ट्रंप सरकार के खिलाफ। तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय में टिकटॉक US के खिलाफ एक्शन ले सकता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है टिकटॉक इंडिया को लेकर। जी दोस्तों, टिकटॉक इंडिया के जो हेड हैं निखिल गांधी, उनकी तरफ से एक अपडेट आया है और उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम आईडी पर एक पोस्ट डाला है। तो वो हम आपको पोस्ट दिखाते हैं और पढ़कर भी दिखाते हैं उसमें क्या लिखा है। जैसा कि दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि द कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग देन अ सेल बैक। जी हाँ दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है वापसी करेंगे और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो इसमें साफ हो सकता है कि आने वाले समय में टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि गूगल जो है टिकटॉक को खरीद सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसका मैं आपके सामने प्रूफ लाया हूँ। मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा और इसे कौन कौन कंपनी खरीदने वाली है, कौन कौन सी कंपनी जो है इसमें लिस्ट में शामिल हो गई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि गूगल मूल कंपनी अल्फाबेट के समूह में बोली के एक हिस्से के रूप में छोटी टिकटॉक की हिस्सेदारी खरीद सकती है। जी दोस्तों, आप जो है इसमें खरीदी लिखी है, लेकिन जो जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें कुछ बदलाव आ जाता है कि ये खरीदा नहीं है दोस्तों, ये खरीद के जो है शामिल हो गया है। इसमें जो कुछ कंपनियों की लिस्ट बनाई गई है बोली के लिए, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी बोली होती है तो उसमें कम से कम नहीं तो कई कंपनियाँ शामिल होती हैं बोली लगाने के लिए। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाती है उसका जो है जो भी प्रोडक्ट है या कंपनी है उसका हो जाता है। तो इसमें कई कंपनियाँ शामिल हुई हैं दोस्तों। इस लिस्ट में जो शामिल हुई है, सबसे पहली कंपनी है सिक्वोया कैपिटल, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, इसमें जो है तीसरा नाम ट्विटर का भी आ रहा है, और चौथा जो है इसमें गूगल का जो अल्फाबेट कंपनी है वो भी शामिल हो गई है पेरेंट कंपनी। तो इसका छोटा सा हिस्सा खरीद सकती है, इसमें कुछ शेयर्स हो सकते हैं इसके। और दोस्तों इसमें जो है बोली कब से शुरू होगी, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले ट्रंप सरकार ने इसे US में बैन करने के लिए 45 दिन का टाइम दिया था US का बिजनेस खरीदने के लिए, लेकिन अब वो बढ़ाकर जो है 90 दिनों का कर दिया है। तो अब जो है इसकी बोली शुरू होगी, तो आने वाले समय में जो है इसकी बोली शुरू होने वाली है। और जब तक ये US का टिकटॉक नहीं बिकता है, US का व्यापार नहीं बिकता है, तब तक इंडिया की वापसी थोड़ी कठिन हो सकती है, क्योंकि इससे रिलेट करता है US से। अब बात आती है टिकटॉक इंडिया में कब वापस आएगा, क्या मुकेश अंबानी इसे नहीं खरीदेंगे। दोस्तों खरीदेंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लग सकता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब तक जो है US का टिकटॉक का व्यापार नहीं बिकेगा, तब तक इंडिया की वापसी साफ नहीं होगी। तो आपको ये पूरा साफ हो गया है, और उम्मीद है कि आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इस आर्टिकल को आप पूरा बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैंने आपको थोड़ा छोटा छोटा करके आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके की सोशल मीडिया अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।